तो फ्रेंड्स होपफुली आपने सारे फार्मूलाज याद कर लिए हैं ओके okay? अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला साइन थीटा इंटू साइन सिक्सटी माइनस थीटा इंटू साइन सिक्सटी प्लस थीटा ओके दूसरा है कॉस थीटा कॉस सिक्सटी माइनस थीटा कॉस सिक्सटी प्लस थीटा यहाँ पे ये सारे डिग्री हैं सिक्सटी डिग्री सिक्सटी डिग्री ये भी डिग्री ये भी डिग्री ओके okay. और फिर सेम थिंग फॉर टेन थीटा टेन थीटा टेन सिक्सटी डिग्री माइनस थीटा इंटू टेन सिक्सटी डिग्री प्लस थीटा ओके okay. तो ये क्या है सभी के बीच में देख लीजिए आप मल्टीप्लीकेशन है और यहाँ पे डिग्री प्लस थीटा डिग्री माइनस थीटा है और 60 माइनस सिक्सटी डिग्री माइनस थीट और डिग्री प्लस थीट ओके अब ये जो है वो ऑफिशियल फॉर्मूल नहीं है ओके okay, ये फॉर्मूला नहीं है लेकिन आपको याद करने के लिए हाँ ये एब्सोल्यूटली प्रूवन है अगर आप किसी भी एग्जाम्पल में ये अप्लाई करो तो ये सही है लेकिन ये अलग से आपको एन की बुक में नहीं मिलेगा ओके <laughs> ये कहाँ पर यूज़ होता है जे डब्ल की एग्ज़ाम में ये शॉर्टकट मैथड बोल सकते हैं हम इसको ओके okay, तो क्या है साइन थीटा इंटू साइन सिक्सटी माइनस थीटा इंटू साइन सिक्सटी प्लस थीटा ओके तो इसके हम क्या लिख सकते हैं वन बाय फोर साइन थ्री थीटा ओके सिमिलरली कॉस में क्या होगा वही वन बाय फोर कॉस थ्री थीटा ओके अब टेन में क्या होगा सिंपल सी चीज़ है साइन अपऑन कॉस इज टेन तो वन बाय फोर साइन थ्री थीटा अपॉन वन बाय फोर कॉस थ्री थीटा क्या हो जाएगा टेन थ्री थीटा देखिए फोर फोर कैंसिल हो रहा है, है यहाँ पे तो हमारे पास आएगा टेन थ्री थीटा ओके <laughs> होपफुली okay? आप सभी को याद रहेगा ये तीन तो याद रहने ही चाहिए इसके ऊपर से हम एग्जाम्पल्स देखेंगे ओके okay? तो फर्स्ट वन है हमारा साइन ट्वेंटी डिग्री इन टू साइन फोर्टी डिग्री इन टू साइन सिक्सटी डिग्री इन टू साइन एटी डिग्री के हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या कर सकते हैं देखिए यहाँ पे हमारे पास चार है हमारे पास फॉर्मूला किसके लिए सिर्फ तीन के लिए थीटा सिक्सटी माइनस थीटा सिक्सटी प्लस थीटा ओके okay, तो सिक्सटी माइनस थीटा सिक्सटी प्लस थीटा तो जीरो डिग्री तो है नहीं मतलब साइन सिक्सटी वो तो अलग से ही आ जाएगा तो हम उसको सबसे पहले लिख रहे हैं साइन सिक्सटी डिग्री बचा क्या साइन ट्वेंटी डिग्री इंटू साइन फोर्टी डिग्री इंटू साइन एटी डिग्री ओके तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन सिक्सटी डिग्री इंटू साइन ट्वेंटी डिग्री इंटू साइन सिक्सटी डिग्री माइनस ट्वेंटी डिग्री इंटू साइन सिक्सटी डिग्री प्लस ट्वेंटी डिग्री ओके हो रहा है ये ओके okay. अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है साइन थीटा सिक्सटी माइनस थीटा सिक्सटी प्लस थीटा तो ये हो गया सिक्सटी माइनस थीटा सिक्सटी प्लस थीटा और ये हमारा थीटा तो थीटा क्या है हमारे पास ट्वेंटी डिग्री तो विच इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा साइन सिक्सटी डिग्री तो हमारे पास ऑलरेडी है अब आंसर है वन बाय फोर साइन थ्री थीटा तो वन बाय फोर आ जाएगा और साइन थ्री थीटा हमारे पास क्या है ट्वेंटी डिग्री तो विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वन बाय फोर साइन स्क्वायर सिक्सटी डिग्री यस yes, अब हमें पता है इसको हम लिख सकते हैं वन बाय फोर साइंस सिक्सटी डिग्री होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन बाय फोर साइंस सिक्सटी के वैल्यू हमें पता है क्या है रूट थ्री बाय टू तो ऊपर उसका स्क्वायर हो जाएगा रूट थ्री तो का स्क्वायर आ जाएगा थ्री टू का स्क्वायर होगा फोर एंड फोर इंटू फोर इज सिक्सटीन तो अवर आंसर इज सिक्स थ्री बाय सिक्सटीन ओके फ्रेंड समझ में आया क्या हुआ इस एग्जाम्पल के अंदर अब हम जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए जो बिल्कुल ही ऐसा है तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या होगा हमारा कॉस टेन डिग्री इंटू कॉस थर्टी डिग्री इन टू कॉस फिफ्टी डिग्री इंटू कॉस सेवेंटी डिग्री यहाँ पे भी चार आ गए हमारे पास तीन के लिए क्या है कॉस थीटा सिक्सटी माइनस थीटा सिक्सटी प्लस थीटा ओके तो सिक्सटी माइनस और सिक्सटी प्लस में है तो मिनिमम थीटा ही हमें देखना है तो मिनिमम हमारे पास कौन सी वैल्यू है टेन और थर्टी ओके okay? अब सिक्सटी प्लस थर्टी हो जाएगा नाइनटी नाइन्टी हमारे पास कहीं पे नहीं है सिक्सटी प्लस टेन हो जाएगा सेवेंटी सेवेंटी हमारे पास है सिक्सटी माइनस टेन हो जाएगा फिफ्टी वो भी हमारे पास है तो हमारा थीटा क्या हो गया टेन डिग्री तो हम सबसे पहले क्या अधिक लिख देंगे कॉस थर्टी डिग्री इंटू अब ब्रैकेट में लिखेंगे कॉस टेन डिग्री इंटू कॉस फिफ्टी डिग्री इंटू कॉस सेवेंटी डिग्री ये तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थर्टी डिग्री कॉस टेन डिग्री इंटू कॉस सिक्सटी माइनस टेन एंड कॉस सिक्सटी प्लस टेन यहां पे सभी जगह डिग्री करनी है आपको यस yes. तो ये क्या हो जाएगा कॉस थर्टी डिग्री इंटू वन बाय फोर कॉस क्या हो जाएगा टेन डिग्री होल सॉरी थ्री इंटू टेन डिग्री ओके तो हमें क्या मिला वन बाय फोर कॉस थर्टी डिग्री का स्क्वायर विच इज इक्वस टू वन बाय फोर एंड कॉस थर्टी इज अगेन रूट थ्री बाय टू एंड इट्स स्क्वायर सो रूट थ्री स्क्वायर इज थ्री एंड अगेन वी हैव दिच इज थ्री बाय सिक्सटीन ओके यू ऑल आर गेटिंग इट क्या हो रहा है यहाँ पे okay. तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर थ्री थर्ड अब हम करेंगे साइन सेवन थीटा माइनस साइन फाइव थीटा अपॉन कॉस सेवन थीटा प्लस कॉस फाइव थीटा थीटर फ्रेंड्स तो कल हमने कुछ एग्जाम्पल्स uh, ऐसे भी किए थे जहाँ पे आ रहा था एस माइनस सी प्लस सी एस प्लस सी माइनस सी मतलब साइन 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 माइनस माइनस कॉस 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 प्लस प्लस ये सारे के सारे एग्जाम फॉर्मूले uh, हमने देख लिए हैं ऑलरेडी तो इसके लिए हम यूज करेंगे साइन सेवन थीटा माइनस साइन फाइव थीटर तो एस माइनस एस उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था टू सी एस मतलब टू टाइम्स कॉस अब यहाँ पे देख लीजिए जब भी प्लस और माइनस है दो के बीच में दो टेग्नोमेट्री फंक्शन है उन दोनों के बीच में आदर एडिशन और सब्सट्रेक्शन है तो हमारे पास जो डिग्री है उनको एडिशन और सब्सट्रक्शन करने के बाद हम उसको डिवाइड बाई टू करेंगे कहाँ पे वेन एवर वी हैव द एडिशन और सब्सट्रेक्शन ओके okay? तो साइंस सेवन थीटा माइनस साइंस फाइल थीटा है तो टू कॉस सेवन थीटा प्लस फाइव थीटा डिवाइड बाय टू इंटू साइन सेवन थीटा माइनस फाइव थीटा डिवाइड बाय टू अपॉन सी प्लस सी सी प्लस सी के लिए हमारे पास क्या है यस टू कॉस सेवन थीटा प्लस फाइव थीटा डिवाइडेड बाय टू इंटू क्या मिलेगा क्या बचा सा इज इक्वल थीटा समझ में आ गया चलो एक काम करते हैं हम ये सारे के सारे जो फॉर्मूले थे ये सी 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 प्लस माइनस उसकी रिपीट कर लेते हैं चलिए तो क्या है फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी वैन एवर वी हैव साइन ए प्लस साइन बी तो क्या हो जाएगा टू साइन ए प्लस बी बाई टू इन टू कॉस ए माइनस बी बाई टू कि ये हम क्या कर रहे हैं एडिशन में से मल्टीप्लीकेशन में जा रहा है तो एडिशन से मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे तो एस प्लस एस का हो जाएगा टू एस सी ओके अब हमारे पास सेकेंड है साइन ए माइनस साइन बी ओके साइन ए माइनस साइन बी हो गया तो इसके लिए क्या हो जाएगा टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इन टू साइन ए माइनस बी बाई टू ओके अब है कॉस के लिए कॉस ए प्लस कॉस बी अगर हमारे पास है दोनों कॉस है तो हो जाएगा टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू ओके लास्ट वन है कॉस ए माइनस कॉस बी इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू ओके ये हमारे चार फॉर्मूला है ओके <coughs> okay. याद रखिएगा एस प्लस एस है तो हो जाएगा टू एस सी एस माइनस एस है तो हो जाएगा टू सी एस सी प्लस सी है तो हो जाएगा टू सी सी और सी माइनस सी है तो हो जाएगा माइनस टू एस एस पहले ही मैंने बोला है फिर से वही बोल रही हूँ जब भी साइन और कॉज दोनों इकट्ठे होते हैं तो सिर्फ दोनों साइन के बीच में एडिशन या याबस्ट्रिक्शन होगा और वेन एवर वी हैव बोथ द फंक्शन आर सेम एंड है मल्टीप्लीकेशन में तो मिल जाएगा कॉस कॉज uh, के बीच में एडिशन और सब्सट्रिक्शन ओके okay? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी आगे के एग्जाम्पल में क्योंकि उन लोगों को फॉर्मूला याद नहीं था तो वो लोग प्लीज एक बार आ, वीडियो रिवाइंड कर ले थोड़ा सा और लास्ट जो एग्जाम्पल हमने किया वो कर ले कि उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर जा रहे हैं विच इज अवर एग्जाम्पल नंबर फोर एंड इट इज कॉस्ट थीटा माइनस कॉस थ्री थीटा ओके एक काम करते हैं ये एग्जाम्पल बाद में करवा लेती हूँ उसके लिए एक अलग से पेज ले लूंगी ठीक है चलो कर ही देते थीटा थीटा एट थीटा प्लस थीटा 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 डिवाइडेड बाय यस, okay. yes. इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे सारे फॉर्मूला देखिए ऊपर ही लिखे हुए हैं तो आपको अब ध्यान देना है सी माइनस सी है एस प्लस एस है एस माइनस ए है और सी माइनस सी है मतलब सिर्फ और सिर्फ सी प्लस सी नहीं है बाकी के तीनों के तीनों तीनों फॉर्मूला हमें इसी के अंदर यूज करने है तो सबसे पहले uh, c माइनस सी सी माइनस सी क्या है माइनस टू एस एस तो माइनस टू साइन ए प्लस बी थीटा प्लस थ्री थीटा डिवाइड बाई टू इन टू साइन थीटा माइनस थ्री थीटा डिवाइड बाई टू ओके फर्स्ट हो गया सेकेंड है एस प्लस एस इसके लिए क्या है टू एस सी मतलब टू साइन ए प्लस बी मतलब एट थीटा प्लस टू थीटा डिवाइड बाई टू इंटू कॉस एट थीटा माइनस टू थीटा डिवाइड बाई टू के होल डिवाइडेड बाय नाउ एस माइनस एस क्या है टू सी एस तो टू कॉस फाइव थीटा प्लस थीटा डिवाइड बाय टू इन साइन फाइव थीटा माइनस थीटा डिवाइड अब क्या हो रहा है माइनस टू एस एस सो वी है फोर थीटा प्लस सिक्स थीटा डिवाइड बाय टू होपफुली आप लोगों को दिख रहा है इन साइन फोर थीटा माइनस सिक्स थीटा डिवाइडेड बाय टू इसके इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा क्या आप पूरा एग्जांपल देख सकते हो ओके okay. ये देखिए माइन टू 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 कैंसिल हो जाएगा हर एक में से अब ये देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगी तो ये माइनस अगर अंदर चला जाए वी नो दैट साइन क्या है हमारा ऑर्ड फंक्शन है अगर ये माइनस साइन अंदर चली जाए तो क्या रहेगा हमारे पास साइन थ्री थीटा माइनस थ्रीटा तो इसको हम uh, माइनस को अंदर ले जाएंगे सेम यहां से यहाँ पे भी हम माइनस को अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा फोर सिक्स uh, थीटा माइनस फोर थीटा तो सारी वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल जाएगी ओके तो अब ये है थीटा प्लस थ्री थीटा विच इज फोर थीटा डिवाइड बाई टू इज टू थीटा सो वी हैव साइन टू थीटा इन टू साइन चलो मैं अलग कलर से देख देती हूँ साइन टू थीटा इन टू साइन ये क्या है थीटा माइनस uh, मतलब थ्री थीटा माइनस थीटा विच इज टू थीटा डिवाइड बाई टू इज साइन थीटा इन टू ये क्या हो जाएगा साइन एट प्लस टू इज टेन टेन डिवाइड बाई टू इज फाइव थीटा इन टू ये क्या हो जाएगा कॉस एट माइनस टू सिक्स एंड सिक्स डिवाइड बाई टू इज थ्री थीटा तो कॉस थ्री थीटा अपॉमन अब हमारे पास क्या बचा है कॉस फाइव थीटा प्लस थीटा दट इज सिक्स थ्री थीटा इन टू साइन फाइव थीटा माइनस थीटा विच इज फोर थीटा एंड फोर थीटा डिवाइडा इन टू साइन फोर प्लस डिवाइड थीटा सो साइन फाइव थीटा इन टू साइन सिक्स माइनस फोर विच इज टू थीटा डिवाइड बाई टू इज साइन थीटा ओके ये हो गया हमारा अब देखिए ये हो गया साइन थीटा यहां पे भी साइन थीटा है ये साइन टू थीटा यहाँ पे भी साइन टू थीटा है साइन फाइव थीटा फाइव थीटा है कॉस थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा है तो इसके इक्वल्स टू हमें आंसर मिला वन तो समझ में आया ये फॉर्मूला हमें कैसे यूज करना है तो यही फॉर्मूला ये ऊपर जो मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं वो हमने यहाँ पे यूज़ किए Okay, रही बात सी प्लस सी की वो हमने अगला एग्जाम्पल में यूज कर लिया है तो आपको अब आप समझ में आ गया है कि चारों के चारों फॉर्मूला हमें कैसे और कहाँ पे यूज करने हैं है okay? क्यों हमने यहाँ पे यही यूज किया <laughs> क्योंकि ये एडिशन और सब्सक्रिक्शन है उसको मल्टीप्लीकेशन में लेके जाएंगे तभी ये सब कैंसिल होगा वरना इसको अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया कॉस थीटा इंटू साइन एट थीटा कॉस थ्री थीटा इंटू साइन एट थीटा फिर ये सब करके आपको वो वाला अगले वाला जो एडिशन वाला फॉर्मूला था वो अप्लाई करना पड़ता आंसर तो फाइनली यही मिलता है लेकिन जो हमारी प्रोसीजर होती है वो लेंदी हो जाती है, ओके? तो अगर आप वो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहे और आप वही मेथड कर रहे हैं तो भी कोई गलत बात नहीं है आपका आंसर तो आने ही वाला है ओके तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा अगर आप वो कर रहे हैं तो आप गलत नहीं हो के अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर नेक्स्ट एग्जाम्पल के पहले हम फिर से अग, अगले बार हमारे फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं जो हमारे हो गए लेकिन फिर भी एक बार मैं याद करवा रही हूँ आपको क्या होता है टेन ए प्लस बी इसका फॉर्मूला हमारे पास है क्या है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी ये मैं लास्ट टाइम आपको रिवाइज करवा रही हूँ उसके बाद मैं कभी भी रिवाइज नहीं करवाऊंगी आपको याद होना ही चाहिए ओके टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी ओके सिमिलरली हमारे चलो के लिए हम नेक्स्ट में देखेंगे okay तो ये जो है प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी ओके तो ये जो हमारे फॉर्मूला है उसके ऊपर से मैं एक, आपको एक नोटिस लिखवा रही हूँ okay नोटिस ध्यान में रखना नोटिस लिखवाने से पहले मैं तो आपको कुछ सॉल्व करके दिखाती हूँ जैसे कि सपोज हमारे पास है ए प्लस बी इज इक्वस टू फोर्टी फाइव डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री हो रहा है ए प्लस बी तो सिंपल सी चीज है टेन फोर्टी फाइव डिग्री जो है वो क्या होता है वन ओके okay. <laughs> तो इसको हम लिख सकते हैं टेन ए प्लस बी मतलब ये फोर्टी फाइव हमने ले लिया है तो ये हो रहा है वन ओके okay. तो वन माइनस टेन बी इज इक्वस टू टेन ए प्लस टेन बी हो जाएगा तो इसके इक्वस्ट हम लिख सकते हैं वन इक्वल्स टू टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए इंटू टेन बी ओके यस अब अगर मैं बोलू कि हमारे पास है टेन ए प्लस वन इंटू टेन बी प्लस वन Okay, या फिर हम लिख सकते हैं वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी तो इसके इक्वस्ट मैं क्या लिख सकती हूं वन प्लस टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए इंटू टेन बी अब हमारे पास है वन इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए इंटू टेन बी पे जब हमारे पास है ए प्लस बी इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री ओके तो इसको अगर हम हमारे पास फिर से वही ए प्लस बी इक्वल्स टू फोर्टी फाइव डिग्री तो वन प्लस टेन इंटू वन प्लस टेन बी इज इक्वल टू टू लिख सकती हूँ वन प्लस वन ओके हाँ तो यही हमारी नोटिस है कि वेन एवर वी हैव ए प्लस बी इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री देन वन प्लस टेन ए इन प्लस टेन बी इज इक्वल टू टू ओके सिमिलरली फॉर फोर्टी फाइव डिग्री कॉट के लिए भी लिखवा ही रही हूँ याद रखना क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस वन इंट कॉट बी माइनस वन इज इक्वल टू टू सेम है यहाँ पे ही ऐसा ही होगा उसके अंदर भी लेकिन कॉट ए माइनस वन इंटू कॉट बी माइनस वन इक्वल टू टू हो जाएगा सेम मेथड से तो ये नोटिस है इसके लिए दो पॉइंट आपको याद रखना है वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन भी इक्व टू टू वेन एवर बी है

इन टू वन ये सभी के बीच में इन टू है हा? वो मैं अभी कर नहीं हूँ ध्यान रखने का वन प्लस टेन फोर्टी सिक्स डिग्री इंटू वन प्लस टेन फोर्टी सेवन डिग्री इंटू वन प्लस टेन फोर्टी एट डिग्री ओके तो इसको हम कैसे इसका सोल्यू हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं वन प्लस टेन माइनस वन डिग्री ऐसा लिख सकते हैं इंटू वन प्लस टेन फोर्टी सिक्स डिग्री तो ये एक हो गया सेकेंड हम लेते हैं वन प्लस टेन माइनस टू डिग्री इंटू वन प्लस टेन फोर्टी सेवन डिग्री ये सेकेंड हो गया थर्ड वन प्लस टेन माइनस थ्री डिग्री इंटू वन प्लस सॉरी वन प्लस टेन

एट ओके सिंपल सा एग्जाम्पल था सिक्स एग्जाम्पल ओके सिक्स वन भी बहुत ही ईजी है इसके लिए हम लिखेंगे कॉट सिक्सटीन डिग्री इंटू कॉट फोर्टी फोर डिग्री प्लस कॉट फोर्टी फोर डिग्री इंटू कॉट सेवेंटी सिक्स डिग्री माइनस कॉट सेवेंटी सिक्स डिग्री इंटू कॉट सिक्सटीन डिग्री ओके तो ये है हमारे पास अब देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पे कहीं पे भी एडिशन फोर्टी फाइव नहीं हो रहा है तो हम वो वाला तो यूज़ ही नहीं करेंगे राइट सेवनटी सिक्स माइनस सिक्सटीन भी फोर्टी फाइव नहीं होगा सेवनटी सिक्स माइनस फोर्टी फोर वो भी फोर्टी फाइव नहीं होने वाला है <laughs> तो यहाँ पे यह वो मेथड की तो कोई चांस ही नहीं है अब हम याद करेंगे कॉट ए प्लस बी उसका फॉर्मूला क्या था कि तो कॉट ए प्लस बी इसका फार्मूला क्या है हमारे पास cot a into cot b minus one divided by cot a plus cot b, okay? एक लिखके दिखा रही हूँ आप लोगों को मैं। ये हमारा cot a plus b और cot a minus b का formula है। क्या है? Cot a plus b is cot a into cot b minus one upon cot a plus cot b and cot a minus b equals to cot a into cot b plus one upon cot b minus cot a, okay? तो यहाँ पे हम यही वाला formula कुछ बदलके हम use करेंगे। Uh, जैसे कि वो नो दैट के यहाँ पे क्या है कॉट ए इंटू कॉट बी है के तो इसके इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं देखिए कॉट ए माइनस बी इंटू कॉट बी माइनस कॉट ए माइनस वन ओके okay, ये हो गया कॉटे इंटू कॉट बी के लिए दूसरा ये भी हो सकता है कॉट ए प्लस बी इंटू कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस वन ओके ये दो फॉर्मूला है हमारे पास कॉट इसको लिखने के लिए देखिए यहाँ पे कॉटे इंटू कॉट बी है कॉटे इंटू कॉट बी है कॉटे इंटू कॉट बी है तो एग्जांपल याद रखिए हम नेक्स्ट कर रहे हैं अभी हाँ तो इसको मैं आंसर देख सकती हूँ कॉट सिक्सटीन डिग्री इंटू कॉट फोर्टी फोर डिग्री माइनस वन प्लस कॉट फोर्टी फोर डिग्री इंटू कॉट सेवेंटी सिक्स डिग्री माइनस वन माइनस कॉट सेवेंटी सिक्स डिग्री इंटू कॉट सिक्सटीन डिग्री प्लस वन ओके ये मैंने माइनस वन माइनस वन माइनस वन सभी में ऐड कर दिया है ओके okay. तो इसके इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा ओके <coughs> okay. और मैंने माइनस वन माइनस वन माइनस वन सभी में ऐड किया तो आगे तीन ले रही हूँ ओके okay. माइनस थ्री हो गया तो प्लस थ्री प्लस हो जाएगा क्या आंसर तो मैंने तीन ऐड किया और तीन सब्सट्रैक्ट किए तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे थ्री प्लस अब ये बाकी बचा कॉट सिक्सटीन डिग्री इंटू कॉट फोर्टी फोर डिग्री माइनस वन इसके इक्वल टू सिक्सटीन प्लस फोर्टी फोर सिक्सटी डिग्री तो कॉट सिक्सटी डिग्री इंटू कॉट सिक्सटीन डिग्री प्लस कॉट फोर्टी फोर डिग्री ओके प्लस कॉट फोर्टी फोर डिग्री इंटू कॉट सेवेंटी सिक्स डिग्री माइनस वन इसके इक्वल टू तो क्या हो जाएगा कॉट वन ट्वेंटी डिग्री इंटू कॉट फोर्टी फोर डिग्री प्लस कॉट सेवेंटी सिक्स डिग्री ओके प्लस अब हो जाएगा सॉरी यहाँ पे माइनस है हमारे पास माइनस कॉट सिक्सटी डिग्री इंटू कॉट सिक्सटीन डिग्री माइनस कॉट सेवेंटी सिक्स डिग्री ओके ये हो रहा है हमारे अब हमें पता है कॉट सिक्सटी डिग्री कॉट वन ट्वेंटी डिग्री और कॉट सिक्सटी डिग्री इन सभी की वैल्यू हमें पता है विच इज वन अपॉन रूट थ्री तीनों की सेम वैल्यू है तो मैंने ये कॉमन कर ली है तो अब अंदर क्या बचा हमारे पास कॉट सिक्सटीन डिग्री प्लस कॉट फोर्टी फोर डिग्री प्लस कॉट फोर्टी फोर डिग्री प्लस कॉट सेवेंटी सिक्स डिग्री माइनस कॉट सिक्सटीन डिग्री माइनस कॉट सेवेंटी सिक्स डिग्री Okay, तो आप मैंने एक मिस्टेक कर दी है यहां पे जो हमारे पास है वन अपॉन रूट थ्री आंसर आ रहा था वो माइनस वन अपॉन रूट थ्री आएगा यहाँ पे तो मैं ये फिर से लिख रही हूँ पूरा स्टेप ट्वेंटी है वो हो जाएगा माइनस वन अपॉन रूट थ्री फिर से बोल रही हूँ कॉट वन ट्वेंटी है वो माइनस वन अपॉन रूट थ्री हो जाएगा यहाँ पे मैंने आपको मिस्टेक uh, से बता दिया था कि वो भी वन अपॉन रूट थ्री होगा लेकिन कॉट सिक्सटी होगा वन अपॉन रूट थ्री और कॉड वन ट्वेंटी होगा माइनस वन अपॉन रूट थ्री ओके जैसे कि हमें पता है सेकेंड जो कॉडेंट है उसके अंदर साइन uh, के अलावा सारे के सारे फंक्शन साइन और कॉसिक के अलावा सारे के सारे फंक्शन नेगेटिव होते हैं तो कॉड भी नेगेटिव ही होगा ओके okay, तो ये हो गया हमारा कॉट फोर्टी फोर प्लस कॉट सिक्सटीन माइनस कॉट फोर्टी फोर माइनस कॉट सेवेंटी सिक्स माइनस कॉट सिक्सटीन प्लस कॉट सेवेंटी सिक्स तो अब देखिए कॉट सिक्सटीन कॉट सिक्सटीन कैंसिल हो रहा है कॉट फोर्टीन कॉट फोर्टी फोर कॉट फोर्टी फोर कैंसिल हो रहा है और कॉट सेवेंटी सिक्स कॉट सेवेंटी सिक्स भी कैंसिल हो रहा है तो हमारा आंसर आ गया थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री जीरो विच इज इक्वल्स टू थ्री तो दिस इज अवर आंसर होपफुली स्टूडेंट्स यू ऑल आर गेटिंग इट इफ यू हैव एनी क्वेरी कॉन्टेक्ट मी और कमेंट बिलो थैंक यू